हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट सुफियान और स्वागत है आपका फाइनली वापस से चैनल पे। तो जब एप्पल ने अपना वंडरलस्ट इवेंट अनाउंस किया था तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था देखने के लिए कि आखिर आईफोन 15 सीरीज में एप्पल ऐसा क्या करने वाला है जो कि रूमर्स से काफ़ी अलग होगा। और आईफोन 15 अगर देखा जाए तो 23वां यानी कि 23rd आईफोन है जो कि एप्पल ने लॉन्च किया है मार्केट में। और आज की वीडियो में बात करेंगे आईफोन 15 और 15 प्लस प्रो और प्रो मैक्स के बारे में। तो बिना वक्त गवाए चलिए दोस्तों हम जल्द से जल्द अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस की, राइट। तो मोर और लेस वही सब हमको देखने के लिए मिला इस साल आईफोन सीरीज लाइनअप के अंदर जो कि रूमर्स में हमको बताया गया था। यानी कि टाइप सी पोर्ट ऑब्वियसली है, लास्ट ईयर का प्रो प्रोसेसर 15 और 15 प्लस में मिला ऑब्वियसली है, डायनामिक आइलैंड आ चुका है। बट जो नहीं मिला है हम उसके बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। इन सब फीचर्स के अलावा कुछ नए इकोसिस्टम फीचर्स हमको मिले हैं। जो नहीं मिला है वो है 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, अभी भी 15 और 15 प्लस 60 हर्ट्ज़ की स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे चलेंगे। और कुछ ऐसे फीचर्स हमको देखने के लिए जो कि सिर्फ एप्पल इकोसिस्टम में काम करेंगे। तो एक बार जल्दी से सारी चीज़ों में नज़र डाल लेते हैं। तो ये है आईफोन 15, मोर और लेस सेम जस्ट लाइक आईफोन 14 प्रो जो कि लास्ट ईयर आया था। कुछ माइनर टचेस कॉस्मेटिक चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कर्व्ड एजेस मिलते हैं अब हमको पीछे की तरफ से, जिससे फ़ोन थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है होल्ड करने के लिए। एकदम बॉक्सी डिज़ाइन अब हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ ही एज कम्पेयर टू 14 और 14 प्लस लास्ट ईयर जो मेजर चेंज है वो है कि जो बैक पैनल है, जो बैक ग्लास है बेसिकली, वो अब मैट फिनिश हो चुका है रादर देन ग्लॉसी फिनिश। और जो सबसे बड़ा चेंज हमको यहाँ देखने के लिए मिला है वो है USB-C। और इज़ इट रियली सच अ बिग डील? तो ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो नहीं, क्योंकि USB-C एक्चुअली 2012 में इंट्रोड्यूस हो गया था और सैमसंग काफ़ी टाइम से अपने फ़ोन्स के अंदर USB-C दे रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप ध्यान दें तो एप्पल ने सिर्फ एक बार अपना चार्जिंग पोर्ट चेंज किया था, वो था आईफोन 4S के बाद, जब एप्पल 40 पिन से आईफोन 5 के टाइम पर लाइटनिंग पर मूव हुआ था। और ये दूसरी बार चेंज हो रहा है और आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव, क्योंकि एप्पल मोर और लेस अपने सारे डिवाइसेस को ऑलरेडी USB-C पे मूव कर चुका था, चाहे वो उनका मैकबुक लाइनअप हो, चाहे वो हमारा आईपैड्स हो, चाहे वो और भी कोई हमारे एक्सेसरीज हो। जो बच गए थे वो थे हमारे आईफोन्स और एयरपॉड्स जो कि अब USB टाइप सी पे जा चुके हैं। तो अब एक्चुअली बेनिफिट क्या मिलेगा? वेल, अब एक सिंगल केबल से, अज्यूमिंग कि आपके पास मैकबुक आईपैड और टैबलेट ये सब चार्ज करने के लिए चार्जर होगा, आप सिंगल केबल से अपने आईफोन को भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड से एंड्रॉयड चार्जर बोरो कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो आप कर नहीं सकते थे, राइट। ऑल्सो इवन दो वायरलेस पावर शेयरिंग यहाँ पे अभी भी हमको नहीं मिलती है, बट अब आप एक टाइप सी टू टाइप सी केबल से अपने एयरपॉड्स प्रो टाइप सी केस में जो एयरपॉड्स हैं उनको चार्ज कर सकते हैं टाइप सी केबल अपने आईफोन से लगा के। आई थिंक यहाँ पे हमको वायरलेस पावर शेयरिंग मिल जानी चाहिए थी, बट अपेरेंटली एप्पल इज रिजर्विंग दैट टेक्नोलॉजी विच हैज़ बीन एग्जिस्टिंग फॉर द लास्ट 5 years नाउ। और इसके अलावा एक चीज़ जो कि स्पेसिफिकली प्रो मॉडल्स के लिए है रखी गई है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन 15 और 15 प्लस में जस्ट एक स्लाइट बम्प हमको मिलता है 14 और 14 प्लस के ऊपर, वो है नया डिस्प्ले विद डायनामिक आइलैंड जो कि 15 और 15 प्लस में अब हमको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमको अब देखने के लिए मिलती है जो कि लास्ट ईयर के 14 प्रो मॉडल्स में थी। और अपग्रेडेड मेन कैमरा मिलता है 14 प्रो का, 48 मेगापिक्सल वाला मेन सेंसर अब हमको 15 और 15 प्लस में देखने के लिए मिलेगा विद A16 बायोनिक चिप, इट्स 14 प्रो रीपैकेज्ड एज आईफोन 15। जो कूलेस्ट फीचर है जो कि एंड्रॉयड में सालों पहले था, इसमें आपको एक नया पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है कि तो आप बेसिकली नॉर्मल मोड में फोटो क्लिक कर लीजिए, आपका A16 बायोनिक न्यूरल इंजन सारा पोर्ट्रेट डेटा कैप्चर कर लेगा और क्लिक करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को फोकस में रखना है। आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव, इट वाज अ लॉन्ग टाइम कमिंग कि एप्पल ये फीचर अपने फ़ोन में इंट्रोड्यूस करें एंड फाइनली उन्होंने आखिरकार आईफोन 15 में ये फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है। प्राइसेस की अगर बात करें तो सेम लास्ट ईयर की तरह 15 स्टार्ट होगा 79,990 से और इंडिया में असेंबल हो रहा है आईफोन 14 की तरह से, तो ऑब्वियसली सेम प्राइस रहेगा, एक्साइज ड्यूटी इस फोन में कट ऑफ हो जाए। अब बात करते हैं प्रो मॉडल्स की।
बेसिकली कोई ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग काम नहीं हुआ है प्रो मॉडल्स के अंदर भी, लेकिन बहुत सारे स्मॉल इंप्रूवमेंट्स हुए हैं जिनको मैं एक इंक्रीमेंटल अपडेट कहूँगा रादर देन ग्राउंड ब्रेकिंग या फिर मेजर अपडेट। तो सबसे पहले एप्पल का पहला 3 नैनोमीटर चिप हमको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, विच इज़ A17 प्रो। ये पहली बार इन्होंने प्रो नेम यूज़ किया है अपने प्रो मॉडल्स के चिपसेट को। एक बिल्कुल ब्रांड न्यू न्यूरल इंजन हमको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। एप्पल ने इवन हमको ये भी दिखाया कि इस पर आप रे ट्रेसिंग वाले गेम्स खेल सकते हो। आई डोंट नो कौन कॉन्सोल गेम्स इस पर खेलना चाह रहा है, बट रेजिडेंट इविल ऑन एन आईफोन आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। एटली 15 और 15 प्लस पे हमको जो फीचर नहीं मिलता है और जो प्रो पे मिलता है, प्रो मॉडल्स के ऊपर मिलता है, वो है USB 3.0। तो जिस फीचर की मैंने अभी वीडियो में स्टार्टिंग में बात करी थी कि बाद में बात करेंगे, वो ये फीचर है। USB 2.0 हमको मिलता है 15 और 15 प्लस पे, और प्रो मैक्स पे हमको मिल जाता है USB 3.0। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हैं और आप एक SSD या फिर एक रिमूवेबल ड्राइव टाइप सी के थ्रू अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, तो आप डायरेक्टली उस ड्राइव के ऊपर अपना वीडियो डेटा सेव कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा व्लॉगर्स को, उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ शूट करते हैं अपने आईफोन्स के थ्रू, और उन लोगों को सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब आई थिंक अगर आप एक प्रो मॉडल है जिसके नाम में ही प्रो आता है, वहाँ पे आपको आइडियली थंडरबोल्ट स्पीड देनी चाहिए थी, विच इज़ USB 4.0 प्लस, बट रटिल नाउ दे आर स्टिकिंग टू 10 Gbps वाली USB 3.0। सो बेसिकली ट्रांसफ़र टाइम रिड्यूस हो जाएगा प्रो मॉडल्स पे, लेकिन सैडली इस बार भी नो फास्ट चार्जिंग, 20 वॉट की ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं सारे आईफोन्स। मटेरियल की बात करें तो अब स्टेनलेस स्टील हटा के साइड रेल्स को टाइटेनियम से बना दिया है, विच इज़ एरोस्पेस टाइटेनियम, विच इज़ गोइंग टू बी आई थिंक इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि टाइटेनियम इज़ रिलेटिवली वेरी लाइट एज कम्पेयर टू स्टील। तो यहाँ पे जो आईफोन का वेट है, जो प्रो मॉडल्स का वेट है, वो काफ़ी लेस होने वाला है एज कम्पेयर टू रेगुलर आईफोन्स। वेल, एक और टेक्नोलॉजी जो कि एंड्रॉयड में काफ़ी सालों से अवेलेबल थी, वो है एक्शन बटन। तो अब जो फ्लिप म्यूट स्विच है उसको हटाकर प्रो मॉडल्स में मेनली हमको एक एक्शन बटन मिल जाता है, जिसको कि हम किसी भी एक्शन के साथ मैप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको होल्ड डाउन करके फ्लिप म्यूट कर सकते हैं अपने रिंगर को, लेकिन सेटिंग्स में जाके आप उसको कोई भी एक्शन असाइन कर सकते हैं। बेसिकली यू कैन यूज़ इट टू ओपन एनी ऐप। मैनी कंपनीज हैव डन दिस इन द पास्ट, एसस हैज डन इट विद देयर ज़ेनफोन लाइनअप, सैमसंग हैज डन इट विद देयर बिक्सबी बटन एंड एवरीथिंग। सो इंटरेस्टिंग टू सी कि एप्पल में लोग किस किस फीचर के लिए इसको यूज़ करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस फीचर के लिए अपने एक्शन बटन को मैप करेंगे। कैमरास की बात करें तो लास्ट ईयर से थोड़ा बड़ा 48 मेगापिक्सल का सेंसर हमको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, विद इम्प्रूव्ड अल्ट्रा वाइड, और प्रो मैक्स, सिर्फ प्रो मैक्स को मिलता है फोल्डिंग लेंस वाला 5x टेलीफोटो जूम। प्रो मॉडल में अभी भी सिर्फ 3x जूम ही मिलता है, और प्रो मैक्स में एक और एडवांटेज हमको मिल जाती है कि आप फोकल लेंथ को सेट कर सकते हैं कि आप डिफॉल्ट फोकल लेंथ क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फोटोग्राफर है जो कि सिर्फ 1.2x पे शूट करता है मेनली, तो आप उसको एज अ डिफॉल्ट सेटिंग अपनी कैमरा ऐप में सेट कर सकते हो। वो कैमरा सेटिंग्स में जाके आपको इनेबल करना पड़ेगा, और बेसिकली टाइम सेविंग है, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। अगर आप मेजरली पोर्ट्रेट्स अपने 1.2x में शूट करते हैं, तो यू जस्ट हैव टू हिट वन सिंगल बटन ऑन योर स्क्रीन और आप 1.2x पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो वेलकम मूव ऑब्वियसली। और सबसे ज़्यादा जो हवा बनाया गया था, सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट, सबसे ज़्यादा जो हाइप क्रिएट करी एप्पल ने इवेंट में, दैट वॉज ऑल अबाउट USB Type-C। बेसिकली USB Type-C वॉज मेड टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर फॉर द आईफोन 15 सीरीज, जबकि USB Type-C एग्जिस्ट सिंस 2012। खैर, इतना ही आज की वीडियो के लिए। तो वेयर डज दिस लीव अस एज कंज्यूमर्स? अगर आपके पास 13 या उसके बाद का कोई भी मॉडल है, यानी कि 13, 13 मिनी, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स के ऊपर और इंक्लूडिंग 13 लाइनअप आपके पास है, तो इट डजेंट मेक सेंस टू अपग्रेड। बेसिकली 13 और 14 आर सेम, आइडियली अगर देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं है। एंड अगर आपके पास आईफोन 12 या और उससे नीचे के जो भी मॉडल्स हैं, यानी कि आईफोन 12, आईफोन 11, आईफोन 10R, आईफोन SE, बाय द वे कूडोस अगर अभी तक आईफोन SE यूज़ कर रहे हो, तो देन इफ़ यू आर वॉन्ट टू अपग्रेड योर फोन, आई थिंक यू शुड गो अहेड। और वैसे भी आईफोन 12 अगर आपके पास है तो आपको एक काफ़ी अच्छा 45,000 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा एप्पल रिटेलर स्टोर्स के ऊपर, इफ़ यू ट्रेड इन योर ओल्ड डिवाइस।
जिनके पास 13 और 14 है, योर डिवाइस इज स्टिल गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स. डोंट चेंज इट, डोंट अपग्रेड इट जस्ट बिकॉज यूएसबी टाइप सी आ गया है. इसके अलावा कोई भी मेजर अपग्रेड नहीं है. एंड आई पर्सनली, अगर मैं एक एप्पल यूजर होता, जो कि मैं नहीं हूँ, आईड वेट फॉर 2 to 3 ईयर्स सो दैट ये टाइप सी का जो यूनिफॉर्मिटी है अपने डिवाइसेस के अक्रॉस लेकर आए हैं, उसको ये और यूनिफॉर्म करके एटलीस्ट यूएसबी 3.0 यूनिफॉर्म कर दें पूरे में, और फास्ट चार्जिंग स्पीड्स इसके ऊपर हमको इनेबल कर दें. खैर, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही. जाने से पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, यूट्यूब उसे नए लोगों तक पुश करता है. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून. टेक केयर गाइस.